हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। तो गाइस, मैं आप लोगों के लिए आ गया एक मैच कवर करने जो कि खेला जाएगा मैक्सिकन लीग फुटबॉल का, मैच ज़्लैटन वर्सेस लियोन के बीच 7:35 के बाद। गाइस मतलब मॉर्निंग मैच है ये, सुबह 8 बजे खेला जाएगा। तो इस मैच की फाइनल टीम आपको लाइनअप्स के बाद मिलेगी मेरे इस चैनल पर, जिसका नाम है एबी रॉक्स ड्रीम 11 टीम्स। तो मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार चैनल दिखा देता हूँ। तो गाइज़ ये रहा मेरा चैनल, कि आप ध्यान से देख लें कि आप किसी और चैनल में ना जुड़ जाना, मतलब यही मेरे नाम का इकलौता ओपन चैनल है। तो चलते दोस्तों आगे, बात करूँ अगर मैं इस मैच की, तो ज़्लैटन वर्सेस लियोन, तो दोनों टीम स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पे जिसके मैं फेवर कर रहा हूँ वो मैं थोड़ा लियोन के फेवर में हूँ, बिकॉज लियोन की डिफेंडिंग थोड़ी ज़्यादा तेज़ है, और जिस टीम की डिफेंडिंग तेज़ होगी उस टीम के जीतने के चांसेज उतने ही ज़्यादा। तो सबसे पहले मैं गाइस बात करूँ गोल कीपर की, तो यहाँ से लूँगा फर्स्ट प्लेयर्स का नाम है रिकार्डो ग्यूटेरेस। तो इसने प्रीवियस मैच के अंदर अपनी वापसी की, जिसमें कि इसने आते ही गाइस इस टीम ने क्लीन शीट मारी थी ज़्लैटन ने, जिसमें कि ये प्लेयर का मेन रोल नहीं था, लेकिन आज के मैच के अंदर पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि इस प्लेयर का मेन रोल रहने वाला है। आगे से बात करूँगा इस डिफेंडर की, तो यहाँ से लूँगा और रॉड्रिगस को। और रॉड्रिगस जो आप देख रहे हैं, लियो टीम बहुत ज़्यादा फॉर्म में है, मतलब इसने किसी टीम को नहीं छोड़ा अभी तक, हर टीम के आगे वेल परफॉर्म कर रही है, लेकिन आज पता चलेगा कि ज़्लैटन के सामने ये टीम क्या करती है। एंडियाज की बात करूँ तो एंडियाज अभी कुछ मैचेस नहीं खेल रहा, और अगर एंडियाज की वापसी होती है तो समझ लेना कि हर मैच के अंदर ये कम से कम एक असिस्ट या फिर 80% गोल करता ही करता है, ये पूरे सीज़न के अंदर, पूरे सीज़न में 80% गोल, वो भी एक डिफेंडर होकर। आगे से बात करूँ सी वेगास की, तो यहाँ पे लूँगा कार्लोस वेगास को। ये प्लेयर भी प्रीवियस मैच के अंदर बहुत ज़बरदस्त खेला था। अगर गाइस एक आधा प्लेयर नहीं खेलता, और अगर मैं मॉर्निंग टीम पोस्ट नहीं कर पाता, तो आप अपनी तरफ से एक आधा प्लेयर चेंज कर देना, ये ना हो कि प्लेयर लाइनअप्स में ना हो और आप चेंज ना कर पाएँ। और आगे से बात करूँ जे डेविड रेमिरेस ग्रेशिया, तो इसने प्रीवियस मैच के अंदर असिस्ट की थी बहुत ही ज़बरदस्त, और ये ऑल ओवर सबकी टीम में था, एक ये असिस्ट बहुत ही ज़्यादा कॉमन थी। और आगे से बात करूँ एस ब्रेरो ने भी प्रीवियस मैच के अंदर बहुत बढ़िया खेला, और एक्चुअली ये तो हर टीम के आगे अच्छा खेलता है, और इसने TOL के सामने तो यहाँ तक कि 5 अप्रैल के मैच में गोल भी मारा था। और आगे से बात करूँ मिडफील्डर की, यहाँ से लूँगा पहला प्लेयर्स का नाम है फर्नैंडो को काफ़ी लोग कैप्टन चुनते हैं, बट किसके अंदर वो खासियत नहीं रही, मतलब पहले अच्छा था, असिस्ट करता था, गोल रेशियो तो बहुत ख़राब है इस प्लेयर का, लेकिन अगर मैं असिस्ट रेशियो की बात करूँ तो वो सबसे ज़्यादा इसका ही बेस्ट है। जे मैंसिस की बात करूँ गाइस, तो जी एन मैंसिस मेरा कैप्टन रहेगा, और बहुत ही ज़बरदस्त पिक है ये कैप्टन की, दिखने में मिडफील्डर ज़रूर लग रहा है, लेकिन ये इसके खाते में गोल्स भी बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही ज़्यादा रेयर। एल मोंटिस की बात करूँ तो गाइज़ ये टॉप का असिस्टर है, मतलब इससे गोल की उम्मीद ना लगाकर असिस्ट की उम्मीद करोगे तो आपको कुछ अच्छा मतलब हासिल होगा। और आगे से बात करूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड की, यहाँ से लूँगा अनदर प्लेयर जिसका नाम है कैमिलो ने काफ़ी मैचेस में गोल किए हैं, प्रीवियस मैच के अंदर ये धोखा दे गया, एक्चुअली काफ़ी लोगों ने इसको अपना कैप्टन चुना था, बट मैंने अपना VC चुना था, बट ये प्रॉपर तरीके से फ्लॉप चला गया। ए मैना की बात करूँ तो ए मैना प्रीवियस मैच के अंदर एक सब्स्टिट्यूट था, तो ये मैच मायने नहीं रखता, लेकिन जितने भी मैच अब तक इसने खेले हैं उसमें से 60-70% इसने गोल्स किए ही किए हैं गाइज। और आगे से बात करूँ कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की, कैप्टन रहेगा मैंसिस और वाइस कैप्टन गाइज ए मीना। तो ये रही मेरी टीम गाइज, मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय।